बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 7, हाउ आर यू? आई एम योर साइंस टीचर फ्रॉम सिल्क स्कूल ऑफ टुमारो, सिटी कैंपस बलवाल। इट्स साइंस ग्रेड 7, टाइटल ऑफ द चैप्टर इज केमिकल्स एंड केमिकल चेंजेस एंड इट्स आवर लेक्चर नंबर 9। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, जी हाँ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में, और जिसका एक और नाम भी था, जी हां, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते और इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। और आपको याद होगा हमने जो एग्जांपल दी थी वो क्या थी, वो ये थी कि सिल्वर नाइट्रेट जो है ये एक कंपाउंड है, और एक दूसरा जो कंपाउंड है जिसका नाम है पोटाशियम ब्रोमाइड, ये दोनों मुख्तलिफ कंपाउंड्स हैं, ये जब आपस में रिएक्ट करते हैं, जब आपस में मिल जाते हैं, इनके दरमियान एक केमिकल रिएक्शन हो जाता है, तो उसके नतीजे में क्या होता है? सिल्वर एक एलिमेंट है, ये अपने नाइट्रेट को छोड़कर दूसरे कंपाउंड के ब्रोमाइड को अपने साथ मिला लेता है और ये सिल्वर ब्रोमाइड बन जाता है। ये क्या करता है, ये सेटल डाउन हो जाता है। ये जो एरो मैं आपको दिखा रहा हूं, इसका मतलब है नीचे सॉल्यूशन के जो बॉटम है उसके अंदर सेटल डाउन हो जाना। और इसके साथ क्या होता है कि ये जो पोटाशियम है ये अपना बदला लेता है नाइट्रेट को अपने साथ मिलाकर, और यूं इसके नतीजे में पोटाशियम नाइट्रेट बन जाता है। डियर स्टूडेंट, ये जो एग्जांपल है ये डबल डिस्प्लेसमेंट की या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की एग्जांपल है, ये हम पिछले लेक्चर में इसके बारे में पढ़ चुके हैं। आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज आपको कुछ पता चलने जा रहा है। जी हां, मैंने आपके सामने लिखा वॉटर। आपको पता है कि अगर आप वाटर को कूल करें, ठंडा करें, तो वाटर कन्वर्ट हो जाता है आइस में, यस। और अगर आप वाटर को हीट करें, गर्म करें, तो वाटर तब्दील हो जाता है वेपर्स के अंदर, बिल्कुल आपने पढ़ा हुआ है, आई नो। यानी पानी से वेपर्स बन जाते हैं, वेपर्स से पानी बन जाता है, वेरी इंटरेस्टिंग। इसके साथ साथ वाटर से आइस बन जाती है, और आइस को ठंडा करें दोबारा पानी बन जाता है। ये जो सारी एग्जांपल हैं इनको हम कहते हैं कि ये फिजिकल चेंज है। कौन सा चेंज है? फिजिकल चेंज होता है, यानी एक तब्दीली हुई फिर वापस वो रिवर्स हो गई। लेकिन एक और एग्जाम्पल को जरा आपने देखना है, वो एग्जाम्पल क्या है कि मिल्क अगर आप लें आप घर के अंदर, और रात को उसके अंदर थोड़ी सी आप मिला देते हैं कर्ड, यानी थोड़ी सी लस्सी जब मिला देते हैं तो वो चेंज हो जाता है कर्ड में, दही बन जाता है। आप कोई है जो कर्ड से दोबारा मिल्क बना दे? यानी मिल्क से तो कर्ड बन गया, क्या कर्ड से मिल्क बन सकता है? नो। इट मींस कि ये एक केमिकल चेंज होता है। केमिकल चेंज वो चेंज होता है जिसमें जो नई चीज बनती है वो वापस पुरानी चीज में चेंज नहीं होती है। और केमिकल चेंज क्यों होती है? क्योंकि उस चीज के अंदर एक रिएक्शन होता है जिसको हम कहते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन है। यस डियर स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्शन के नतीजे में केमिकल चेंज आती है। तो आज हमने सबसे पहले तो ये पढ़ना है कि इन केमिकल रिएक्शन की क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, यानी क्या क्या खसूसियात होती हैं। तो क्यों ना, कितना इंटरेस्टिंग है कि करैक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि जो केमिकल रिएक्शन होता है उसकी क्या क्या खसूसियात होती हैं, यानी कैसे पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हो गया है। जी हां, जो पहली चीज है जिनसे हमें पता चलता है वो है चेंज इन
एनर्जी, यानी एनर्जी में तब्दीली हो जाती है, नंबर वन। नंबर टू क्या होता है? जी हां, स्टेट चेंज हो जाती है, चेंज इन स्टेट। यानी अगर वो सॉलिड हो तो लिक्विड, लिक्विड हो तो गैस, ओके, तो ये चेंज। नंबर थ्री में आता है चेंज इन कलर, उसके कलर में चेंज आ जाता है, यानी रेड हो तो ब्लू हो जाता है, ब्लू हो तो येलो हो जाता है, एंड सो ऑन। नंबर फोर पे रिलीज ऑफ गैस, यानी गैसेस रिलीज हो जाती हैं। यस डियर स्टूडेंट्स, नंबर फोर मैंने आपको बताया, नाउ इट्स टाइम कि मैं आपको बताऊं नंबर फाइव, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स, PPT मैं मेंशन करूंगा, इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो मैंने कितनी एग्जांपल आपके सामने रखी केमिकल रिएक्शन के करैक्टरिस्टिक्स की, फाइव। नंबर वन, चेंज इन एनर्जी से आपको पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन अकर हुआ है, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, रिलीज ऑफ गैस, एंड नंबर फाइव इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट से आपको पता चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन अकर हुआ है। यस डियर स्टूडेंट्स, अब हमने करैक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में जो नंबर वन चेंज इन एनर्जी है उसको डिटेल में पढ़ना है कि कैसे पता चले कि एनर्जी जो है उसमें चेंज आया है। तो चेंज इन एनर्जी, डियर स्टूडेंट्स, व्हेन एवर अ केमिकल रिएक्शन अकर्स, एनर्जी इज आइदर रिलीज्ड आइदर एब्सॉर्ब्ड। यानी मैंने दो बातें बताई, एनर्जी रिलीज्ड एंड नंबर टू एनर्जी एब्सॉर्ब। यानी जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है या तो एनर्जी रिलीज होती है या एनर्जी एब्सॉर्ब होती है, और एनर्जी अगर रिलीज हो तो हम इसे क्या बोलते हैं? यस, हम इनको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। रिएक्शन, ये एक्सोथर्मिक क्या है? जी डियर स्टूडेंट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड, या आप इसको लिख सकते हैं एक्सटर्नल, यानी बाहर, और थर्मिक का मतलब होता है हीट। तो बड़ा जबरदस्त, यानी आपको पता चल गया द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट या एनर्जी इज रिलीज्ड गेट आउटसाइड द सिस्टम। वेरी गुड, इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताऊंगा एनर्जी एब्सॉर्ब, और क्यों ना मैं इसका कोई आपको कोई रिएक्शन भी आपको बताऊं। जी हां, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करते हैं, इन दोनों के मिलने से वाटर बनता है। ये मैंने बैलेंस करने के लिए यहां पे टू लगा दिया, और फिर इसके शुरू में भी यहां पे टू लगा दिया। तो ये जो केमिकल रिएक्शन है इसके अंदर एनर्जी रिलीज्ड हुई है, यानी फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड। डियर स्टूडेंट, ये तो नंबर वन था एनर्जी रिलीज के बारे में मैंने आपको बताया। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एनर्जी एब्सॉर्ब्ड। यस, एनर्जी एब्सॉर्ब को हम कौन से रिएक्शन कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहां पे भी एंडो, एंडो का मतलब होगा इनसाइड, इन साइड या विद इन, या इसको आप विद इन भी बोल सकते हैं। तो और थर्मिक का मतलब हीट है या एनर्जी है, तो इसका मतलब है डेफिनेशन तो होगी, दीज आर द केमिकल रिएक्शन इन विच एनर्जी एब्सॉर्ब गेट इनसाइड। यस, इट इज कॉल्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। डियर स्टूडेंट्स, इसकी एग्जांपल क्या है? अगर आप अमोनियम क्लोराइड को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं, अमोनियम क्लोराइड व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर,
दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। यस डियर स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा नंबर वन पे चेंज इन एनर्जी, और उसमें एनर्जी इज आइदर रिलीज्ड और एब्जॉर्ब। एनर्जी रिलीज्ड इट इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एग्जाम्पल मैंने आपको बता दी। नंबर टू, एनर्जी अब्सॉर्ब इट इज कॉल्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्सॉर्ब इन साइड विद इन अमोनियम क्लोराइड डिसॉल्व इन वाटर। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स आर बुक रीडिंग, और ये बुक रीडिंग जो है वो आपकी बुक के पेज नंबर 58 पे है। ये मैं आपके सामने, चेंज इन एनर्जी ये आपका पैराग्राफ है जिसको आपने स्टडी करना है। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स आर होमवर्क टॉप पे। जैसा कि आपको पता है, डे मेंशन करें, डेट होमवर्क पे टिक करें। चेंज इन एनर्जी क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट आर एंडोथर्मिक रिएक्शंस। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट डू यू नो अबाउट एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंड क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। ये उन पांच चीजों का आपने यहां पे इनके नाम लिखने हैं। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा हुआ है। थैंक यू वेरी मच।